बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट क्रिकेट इट्स वे मोर देन दैट इट्स इट्स अ सिबलिंग ड्रामा इट्स अबाउट अदिति कमिंग ऑफ एज ऑफ अदिति हु टू फिगर आउट वॉट यू डू इन हर लाइफ एंड वो क्रिकेट भी हो सकता था वो पिट्ठू भी हो सकता था वो कुछ भी हो सकता था तो uh, सिर्फ ये मैं बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स फिल्म बहुत सही है यार रिस्पॉस एंड नॉट जस्ट लाइक बिकॉज यू नो इट्स अबाउट गली क्रिकेट अगर है इट्स अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स नॉट जस्ट कि बिकॉज बॉम्बे का स्पोर्ट है या बॉम्बे में खेला जाता है ओनली पीपल इन इंडिया दे आर कनेक्टिंग विद इट इवन वी हैड आर वर्ल्ड प्रीमियर टिफ इन सेप्टेम्बर एंड वहाँ पर भी द रिस्पॉस वॉज इक्वली गुड एंड द वज लाइक अ मेजोरिटी ऑफ़ फॉरन ऑडियंस दे सो द रिस्पॉन्स इज़ बिन ग्रेट और एक होता है ना हर बार की एक Uh, आपको रिस्पॉन्स पता चल जाता है कि कोई कहने के लिए कह रहा है कि अरे आप बहुत सही थे या एक्चुअली दे वांट टू कम एंड हग यू एंड देन देन यू फील दैट थिंग सो आई थिंक वी ऑल थ्री वी फीलिंग दैट विद एवरी वन सीन द फिल्म इट्स बिन वेरी नाइस अलॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव बीन सपोर्टिंग इट लाइक द ट्रेलर केम आउट टू डेज बैक एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स विदाउट इवन टेलिंग दैम टू शेयर इट लाइक दे शेयर इट ऑब्बियसली इट्स माई डेब्यू सो एवरी इज एक्साइटेड अबाउट इट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट and uh, i don't know how it's going to be uh, we're just hoping for the best and uh, but the response has been really nice so we are very 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 anxiously positively and uh, with a lot of hope and expectations waiting to see how it's going to do because this is the best time to release the film uh, because uh, it, there is gully cricket and everyone's playing played gully cricket and ipl is going on right now and uh, the app is killing it right now. So uh, we're just hopeful and uh, we have just that's that's all that's all I can say there. Uh, so my character's name is Kabir. Uh, so Kabir has his own struggles in life. Uh, he's always been in the shadow of a very star player like uh, Rajat in the film. and he has his own struggle and uh, he also has a little thing towards, <laughs> तो ट्रेलर में जैसे आपने देखा कि यस करेक्ट सो जैसे आपने देखा ट्रेलर में भी कि ही चूजेस टू शी ऑल्सो सेस के, uh, के तू भाई की टीम छोड़ के मेरी टीम में खेलेगा सो इट्स चूजिंग फ्रेंडशिप ओवर लव सो दैट एंगल इज ऑल्सो दे So it's 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 very building love first crush very uh, nostalgia vibe so that's something which the character is he's a very lovable character very charming and very focused on what he has to do in his life so i think uh, it's his coming of age as well it's i feel all of the three of them come of age in this film through their own journeys या दैट सेट जैसे देखो वो कच्चे लींबू बन के मैं ग्राउंड बन के आया हो या अंपायर बन गया है सारे देखो हम सारे ड्रेस कोड में आए हुए हैं हमने हमने थीम <laughs> रखी हुई <वी> है कपड़ों <laughs> की <पर> <laughs> मेरा किरदार माय कैरेक्टर इज कॉल्ड आकाश लाइक उसका एंड लाइक इट्स अ सिबलिंग ड्रामा सो वो बड़ा भाई है सो so, मेरे लिए आसान नहीं था बिकॉज मैं छोटा भाई हूँ रियल लाइफ में हाँ बट देन ऑन द अदर हैंड लाइक इट वॉज ईजी इन अ वे बिकॉज मेरी भी एक बहन है रियल लाइफ में राधिका हैज़ अ ब्रदर सो वी कुड कनेक्ट दैट यू नो वॉट दैट sibling love is, how it is even with my sister, if we are fighting, we are like, you know, arguing, we are like not talking to each other. But at the end of the day, respect, you want the other person to grow, do well. Uh, so I could really connect with that character and that side of my character. And like he said, it's a coming of age for all of us to know what we want to do, what we don't want to do, uh, should we, should we not? And you'll watch the film and you'll know. आदिति इज अ वेरी स्वीट काइंड कन्फ्यूज कैरेक्टर हु डजन नो वॉट यी वॉन्ट्स टू डू विद हवर लाइफ शी गेट्स इजिली स्वेड बाई पीपल एंड पीपल्स ड्रीम्स सो आई डोंट थिंक शी इज डिस्कवर्ड अ ड्रीम फॉर हर सेल्फ सो भाई को बचपन से कॉपी करती है uh, फ्रेंड्स जो बोलती हैं वो कर लेती है तो उसको खुद नहीं पता कि क्या करना है एंड आई थिंक जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है ना ही मैं टॉपर थी ना ही मैं फेल होती थी तो जो बीच का कैटेगरी होता है ना कि जहाँ पर आप अच्छे भी नहीं हों आप बुरे भी नहीं हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है उससे मैं काफ़ी रिलेट कर पाई एंड आई आई फील नाइन्टी परसेंट लोग यही होते हैं हमारे देश में या कहीं पे भी कि पता नहीं होता जिनको सो so, आदिति uh, वैसा ही कैरेक्टर है एंड uh, आप बाकी पिक्चर देख लीजिएगा मैं सभी बता <laughs> दूँगी तो वो भी फ्री 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 आईपीएल देख लो आईपीएल के बाद हमारा पिक्चर देख लो साथ साथ भी देख सकते हैं ना आई पेल पेल तो तीन ना आईपीएल तो घंटे का अच्छा तीन घंटे के बाद वही बोल रहा हूँ ना उसके बाद चार घंटे के बाद आप ले लो एक घंटे का ब्रेक फिर फिर देख लो जी लॉकडाउन के टाइम पे मुझे याद है मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी एंड मेरा भाई टोरंटो में रहता है उस टाइम पे वो भी इंडिया में आया हुआ था और हम लोग साथ में रह रहे थे बहुत वक्त के बाद और हमारी बहुत लड़ाई होती है मतलब इतना प्यार है और इतनी लड़ाई होती है कि क्या बताऊँ आपको एंड मुझे जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी आई कुड जस्ट थिंक अबाउट माई ब्रादर एंड मैं बचपन में गली क्रिकेट खेलती थी uh, मेरी uh, बहन जो थी काजिन जो थी वो बहुत बड़ी थी तो मेरे आसपास सिर्फ भाई थे पांच छह भाई थे तो मेरे को और कोई स्पोर्ट आता ही नहीं था तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी आई कुड जस्ट सी माई चाइल्ड हुड इन दैट एंड uh, मुझे याद है उसी वक्त मैंने शुभम को कॉल किया था और वो एयरपोर्ट पर था और मैंने बोल दिया था कि मैं कर रही हूँ एंड यू लाइक अभी तो मैंने भेजी है अभी कैसे एकदम से आप हाँ बोल रही हैं बट मैंने तो बचपन जीना था अपना वापस एंड मुझे बदले लेने थे अपने भाइयों से तो मुझे तो बदले लेने थे तो आई थिंक

सो so, मेरे पास एक्चुअली ऑन इंस्टाग्राम अ कपल ऑफ पीपल मैसेज मी एंड आईज़ बैक पैकिंग मैं अपनी बहन के पास हिमाचल में था एंड uh, मेरे को एक दो मैसेज आए इंस्टाग्राम के मैसेज जब आते हैं कि आप वी वॉन्ट टू वर्क विद यू यू इग्नोर लाइक आपको सीरियसली नहीं लेते सो आई इग्नोर एंड देन बट यू डू बट हाँ इंस्टाग्राम पे आप कौन करेगा

हम बरसोमा में कहीं मिले एंड ही योगी, योगी हाँ शुभम योगी ही इज़ आर डायरेक्टर हम इतना ईजीली हाँ नहीं। उनको लगेगा पता नहीं कोई बाबा वाबा से मिल के आया है कि करूँ या ना करूँ हाँ नहीं नहीं हमारा डायरेक्टर शुभम योगी आई मेट हिम एंड उसने मेरे को मीटिंग में एक ही चीज़ बोली ही वाज लाइक कि आई डोंट नो इफ आई एम गोट मेक अ गुड फिल्म बट आई वॉन्ट टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म एंड इफ़ यू वॉन्ट कि वो ऑनेस्ट फिल्म मैं आपके साथ बनाऊँ तो से यस अदरवाइज डोंट लाइक एक्सपेक्ट एनी थिंग एंड आई सेट आई लव इट एंड आई जस्ट सेड यस सो या यार मैं हंस रहा था बस नहीं। नहीं। ऐसे ऐसा <laughs> कुछ फनी बहुत फ़नी भी नहीं है वो मेरे लिए फनी था बट uh, uh, यार इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट योर फर्स्ट फिल्म इज समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल एंड Um, I never expected my first film to be at this stage of my life. I always thought it's going to be later. I don't know when कब होगी किसके साथ होगी क्या होगी मुझे नहीं पता था मेरे शुभम योगी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ़ माइंड मैंने उसके साथ एक शो किया था माइनस वन सीज़न वन जो हमने यूट्यूब पे किया था जो उसका प्रॉब्बली फर्स्ट डायरेक्टोरियल वो था डेब्यू था मेरा मेरा सेकेंड शो था मेरा कुछ वेब पर रिलीज नहीं हुआ था ना हमारे पास स्क्रिप्ट थी हम यूट्यूब पे बना रहे थे और हम बस मज़े कर रहे थे हमने नौ दिन शूटिंग की थी और इतना मज़ा आया था शूट करके कि वी वॉज जस्ट लाइक ए ब्रो वी हैव टू डू समथिंग टुगेदर एंड देन योज पास्ट ऑन एंड देन ही जस्ट कॉल बी वन डे एंड सेड पिक्चर करेगा एंड आई सेड क्या ब्रो चलना पकावत ये साइड पिक्चर करेगा मेरे पास एक पिक्चर है मैंने बोला देख ब्रो टाइम पास मत कर मेरे साथ ये साइड आ जा ड्राइव पे चलते हैं रात को मैं तेरे को नरेट करता हूँ तो फिर उसने मुझे नरेट की फिल्म तो उसने पूरा नरेट किया कि सिबलिंग विबलिंग सब वो बोला तो मैंने बोला मैं खाऊँ इसमें फिर <laughs> तो मेरा क्या रोल है भाई इसमें <laughs> तो बोला वो मैं तेरे लिखूंगा अभी रुक जा <laughs> तो अभी लिखा नहीं था अभी तो फिर है जब लिख देगा तो फिर बता देना एंड इट वॉज अ नो ब्रेन बिकॉज आई थिंक द वे ही टेक्स केयर ऑफ मी इन लाइफ वेरी फ्यू पीपल डू एंड आई जेनविनली ट्रूली बिलीव दैट ही लव्स मी

सर हम तो मुंबई इंडियंस तो मतलब मैं तो मुंबई इंडियंस तो बिकॉज मुंबई बट मेरा दिल थोड़ी थोड़ी जगहों पे फैला हुआ है जैसे जब भी भी धोनी खेलते हैं तो मतलब आ, सब भूल जाता हूँ मैं मुंबई खेल रही कौन खेल रहा है आई जस्ट लव धोनी एंड आई रियली वट्स एंड ही इज अगेन सेकेंड इन द लीग सो आई जस्ट फील दैट वो भी मजा आने वाला है बिकॉज धोनी इज देर एंड देन ऑब्वियसली एवरी वन इन द प्लानट हैज अ सॉफ्ट हार्ट फॉर विराट कोहली तो अभी आर सी बी मुंबई और चेन्नई में ही सपोर्ट करते करते ऐसे हो जाता है एंड फिर वी ऑल लव शाहरुख सो वी हैव टू सपोर्ट के के यार तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बहुत प्रॉब्लम मैं वही बोल रहा कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो है यार आजकल ये बड़ा ही टेंस मामला है <laughs> ऐसा बट ऐसा है ना बट पर तो <laughs> आप अपना टीम बता दो बट ऑब्वियसली मुंबई फर्स्ट आई लिव इन मुंबई एंड बट बट वी आर सी थोड़ा है मेरा सी का थोड़ा तो थो है ही आ uh, मेरा भी यार यार नो नो बिकॉज बिकॉज यू नो मैं हंस रहा था क्योंकि ये बहुत गहराई में चला गया बट अदरवाइज द फर्स्ट हाफ ऑफ इज आंसर आई एग्री विद वी ऑल हैव अर हार्ट एट लाइक इन लाइक लिटिल पीस ऑफ आर हार्ट इन डिफरेंट टीम्स मेरे को मुंबई इंडियंस बहुत पसंद है तो नॉर्मली मैं चाहता हूँ वो जीते बट जब भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच होता wow. है तो मेरा बहुत दिल दुखता है क्योंकि मेरा धोनी 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 की तरफ दिल चला जाता है okay. so तो है 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 फिर सो 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 देन आई 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 टू विन। लगता लगता सेंचुरी मारे हार जाए। <laughs> नहीं मुझे है कि वो वो जब आ, मैदान से बाहर जा रहा जीतते ही जाना चाहिए फील दैट फॉर थिंक इट्स ट्रू सपोर्टर हूँ चेन्नई की मेरे को धोनी बहुत पसंद है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है ऐसे भी करते हैं वैसे भी करते तो तो हैं टीम से भी आगे जाके यू आर चीयरिंग फॉर अनदर टीम व्हिच इज ग्रेटर व्हिच इज धोनी लव फॉर धोनी तो लव फॉर धोनी वो तो है तो मैं ट्रू सपोर्टर हूँ बाकी मैं मैं भी पंजाबी हूँ मुझे भी शाहरुख खान बहुत पसंद है प्रीति जिंडा शाहरुख खान बहुत एंटरटेनमेंट एंटरटेनिंग फिल्म है बहुत प्यारी है स्माइल करके जाओगे हैवी नहीं है आईपीएल के बाद आराम से खाना खाते हुए देख सकते हो फ्री है तो ज़रूर देखिएगा और हम सबको बताइएगा कि आपको कैसी लगे आयुष का डेब्यू है तो ढेर सारा प्यार आयुष को रोल लिखा गया है आयुष के लिए आपको पता है और क्या काम हुआ है तो फॉर आयुष ये तो बैठे है तो आ, <laughs> और मेरे को भी थोड़ा सा प्यार दे देना बस इतना ही बट <laughs> 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 uh, uh, बहुत बहुत लाइक शी सेट बहुत स्पेशल फिल्म है फॉर ऑल ऑफ अस इसका डेब्यू है सो इवन आई एम इक्वली इक्वली एक्साइटेड फॉर दिस बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म हम सब ने बहुत, बहुत बहुत दिल से काम किया है एंड uh, देखो सबके साथ परिवार के साथ देखो भाई बहन के गर्लफ्रेंड के साथ यू गो फॉर अ लॉट ऑफ मूवीज सो गो विद योर सिस्टर वॉच वॉच द फिल्म एंड हाँ हमें मैसेज करो बताओ कैसी लगी भाई प्लीज देख लो डेब्यू है <laughs> भाई प्लीज देख लो डेब्यू है फ्री है आई देख रहे हो थोड़ा टाइम पहले देख लो या बाद में देख लो प्लीज़ देख लेना फिल्म और प्लीज बताना कैसी लगी कहीं भी बता देना मैसेज मेल ईमेल कमेंट तो इन्हें नहीं नहीं इन्हें मैसेज कर देना नाइन एट टू ये ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं प्लीज इन्हें मैसेज करके बता देना मैं कैसे प्लीज कहीं भी कैसे भी बट प्लीज़ वॉच द फिल्म एंड इट्स अ फैमिली फिल्म द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज़ यू कैन वॉच इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू स्टिल फील एंटरटेंड बिकॉज एवरी वन इज गॉन थ्रू दट फेज ऑफ प्लेइंग इन द बिल्डिंग्स और विद दियर फ्रेंड्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ सो जस्ट इन्जॉय दिस फिल्म ऐसा कुछ क्राइम सीन नहीं हो रहा है बहुत लाइट हाँ ठीक है ठीक है हो सकता है एक एक, एक, एक कहाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला से हाँ बहुत बहुत ही प्यारी फिल्म है प्लीज़ देख लेना उन्होंने कैमरा ही बंद कर दिया उन्होंने बस ये बोलते रहेंगे थैंक यू सो मच गाइस प्लीज़ आप आप देख लेना बस थैंक यू सो मच